परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री मन्नारायण। अखाड़ा के अंदर प्रवेश किया, इनके हाथ में हाथी का दांत देख करके कंस थरथरा गया, मन मन घबरा गया। अब क्या करें, बड़े चक्कर में पड़ गया। अब क्या करें, इनके अंदर पहुंचते ही, रंगमंच पर पहुंचते ही कहा जल्दी से जल्दी पहलवान बुलाए जाए। न पानी को पूछा, न जलपान को पूछा, भांजा लगते थे, मामा लगता था, कुछ तो कम से कम शिष्टाचार करना था, लेकिन कुछ नहीं किया पट्ठा। सीधे पहुंचते पहुंचते कहां है पहलवान, भगवान मंच पर गए तो मल्ला नाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षिति भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु गो मृत्युर्भोजपते विराड विदुषा तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति सततम् रंगं गतः साग्रजः अग्रजेन बलेन सहितः साग्रजः कृष्णः विष्णीनां परदेवतेत्यभास वृष्णिवंशियों को परदेवता के रूप में, बड़े बड़े वीरों को वज्र के रूप में भगवान दिखलाई पड़े, राजा के रूप में दिखलाई पड़े। और जो असज्जन दुष्ट दुर्दांत नालायक राजे थे उनको शासक के रूप में दिखलाई पड़े कि अब हमारी खैरियत नहीं है, ये सोचने के लिए बाध्य हो गए वे राजा भगवान को देख करके। स्वपित्रो शिशु नंद बाबा और वसुदेव उनको बालक के रूप में दिखलाई पड़े, भोजराज कंस को मौत के रूप में दिखलाई पड़े भगवान। मृत्युर्भोजपति विराट अविदुषाम, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट। बोले महाराज जी, विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था भगवान कृष्ण ने, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। और यहां अज्ञानियों को विराट रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं भगवान। जिस जिस विराट रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दिया था अर्जुन को, और यहां सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि विराट अविदुषाम, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट, अज्ञानियों को विराट रूप में दिखे, तो यहां विराट का मतलब वह विराट नहीं है जो अर्जुन को दिखलाया था। यहां विराट का मतलब है विकलतया राजते इति विराट, जो अज्ञानी हैं उनको विकल रूप में, माने अभी बालक हैं, ये तो मुष्टिक चाणूर तो बड़े बड़े पहलवान हैं, ये तो छोटे हैं, अभी बालक हैं, कैसे युद्ध करेंगे, अब आर टावर है। विराट अविदुषा, अविदुषाम विराट, तो जो अज्ञानी है मतलब जिनको यह ज्ञान नहीं है कि यह पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर हैं, ऐसे अज्ञानियों को विकल दिखलाई पड़े, कमजोर, कि ये तो छोटे हैं, कोई बराबरी की कुश्ती नहीं है ये लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र सामने जब चाणूर आया, भगवान ने सोचा कि इसको क्या मैं बोलूं, कि इसको मिर्ची जैसी लग रही,
बोले शर्म नहीं आ रही तुमको, हम लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, नालायक, स्वर, कमीने, कमबख्त, समझ नहीं आ रहा है हमसे कुश्ती लड़ने में। ये झल्लाया, अभी ये झल्लाता तब तक हस्ताभ्याम हस्तावाकृष्य पद्भ्याम एव चपादयो, हाथों से हाथों को पकड़ा और पैरों में पैर को फंसा करके गिराया, हाथ में हाथ पैर में पैर पकड़ करके। ज्यादा देरी क्या करना बदमाशों को मारने में, इसलिए उठा के पटक दिया। कुश्ती लड़ने का बड़ा अच्छा आइडिया है, वर्णन किया है सुखदेव जी ने परीक्षित से। इधर श्री बलदाऊ भैया ने सोचा कि मेरा छोटा भाई हमसे पहले अखाड़ा मार लिया और मैं अभी मुष्टिकासुर से लड़ ही रहा हूं, बस आया जोश, उन्होंने उसको भी उठा के दे मारा, रा 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 धाम गिराया। फिर कंस ने कहा अरे शल को बुलाओ, तोशल को बुलाओ, शल बलराम से, तोशल कृष्ण से, ये भिड़ गए, इनको भी दोनों ने एक साथ गिराया, रा 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 धाम। और तब तो अभी तक तो ये चल रहा था, यहां हम भगवान श्री कृष्ण के नाम में अष्टोत्तर शतनाम में बोलते हैं ना, मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारद, तो वहां तो कृष्णाष्टोत्तर शतनाम कहते हैं, वहां बलरामाष्टोत्तर शतनाम तो कहते नहीं। तो कृष्णाष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते समय हम मुष्टिकासुर का नाम क्यों उसमें डाल रहे हैं, हमें तो सल चाणूर कह देना था, तोसल तोसल चाणूर, सल भी नहीं, सल तो बलराम से और तोसल कृष्ण से, तो तोसल चाणूर मल्ल युद्ध विशारद बोलना था, लेकिन कृष्ण भगवान के नाम में मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारद आ रहा है कि नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही क्यों आ रहा है, तो इसीलिए आ रहा है, मुष्टिकासुर के वध के भी कारण भगवान कृष्ण, क्योंकि पहले चाणूर का वध कर दिए तो बलराम जी ने सोचा अरे छोटा भाई पहले अखाड़ा मार दिया, अब देरी नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उठा के पटक दिया, इसलिए वो कारण हो गया, इसलिए भगवान के नाम में ये जुड़ गया आखिर के, ऐसा हमें लगता है। जो भी हो आप भी मानो ये, हम जिद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारद ये बात है तो कुछ तो होगा। और उसके बाद जब कंस कहने लगा पकड़ो पकड़ो मारो मारो, अब तक तो भैया इसने पत्ता नहीं खोला था, लेकिन अब हिस्टीरियाई अंदाज में चिल्लाने लगा मारो मारो पकड़ो पकड़ो, जैसे मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहा वैसे भगवान ने वहीं से छलांग लगाई, छलांग लगा करके कंस के पास पहुंच करके उसके बालों को लिए दिए उठाकर अखाड़े में ले आ करके भगवान ने उसे पटक दिया, रा 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 रा। अब तो बदमाश था ज्यादा तगड़ा ना, इसलिए उसको मारने में थोड़ा और है सोचे कि इसको टॉर्चर करके मारना है, तत्काल नहीं मारना है ना, इसलिए उन्होंने जब पटका तो अखाड़े में गिरा, और अखाड़े में गिरते ही वो बीच में ही था, अभी तब तक हो गया था काम उसका, लेकिन अखाड़े में जब गिराए भगवान और थोड़ा छाती पर दबा दिए, सोचे कि कुछ कसर हो तो भी पूरी हो जाए। अब मार देने के बाद क्या किया मालूम है, मार देने के बाद कंस ने सोचा था ना कि जब कुबलया पीड़ मार देगा, पहले तो धनुष की रक्षा करने वाले वीर ही मार देंगे मेरे, तो मैं रोऊंगा मेरा भांजा मर गया, घड़ियाली आंसू क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, तो मैं घड़ियाली आंसू बहाऊंगा। फिर सोचा कि अगर वो कुबलया पीड़ हाथी मार देगा तो भी रोऊंगा मैं कि मेरा भांजा बहुत काम का था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत बड़वान था, मर गया मर गया। फिर सोचा था कि मान लो वहां से बच के आ गया और यहां मुष्टिक चाणूर ने मार दिया, सल तोसल ने मार दिया, तो भी मैं रोऊंगा कि मेरा भांजा मर गया, भांजा मर गया।
लेकिन उसके ये सारे के सारे मंसूबे रह गए धरे के धरे। और भगवान ने ही वध कर दिया कंस का। और वध करने के बाद भगवान रोन ला गया, मां का मामा मर गया, मरो मामो मर गयो, कितो ध्यान राख तो हो मारा ऊपर, मारा मामा मर गया। रोज किसी ने भेजता है मारा हाल चाल लेवण वास्ते, कण धेनुकासुर ने भेजता, कण पुतना ने भेजता, यान को मारो ध्यान राखण वालो मामो मर गयो। खूब रोए भगवान, रोए क्यों? सोचे मामा जी की रोने की इच्छा थी क्रोकोडाइल टीयर बहाने की, तो मैं ही घड़ियालियां सुबह लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन्नारायण।